करने के लिए ये दो ही अखाड़े हैं। वैसे तो मैं नहीं कहता कि कोई खराब है, लेकिन सत्तू विजेंद्र का हमेशा नाम रहा है। धुन बजाओगे माँ साहब, मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। ये गीत YouTube पे 8 मार्च से लेकर आज तक बज रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ आए हमारे साउंड वाले भैया के सामने आ गए, उन्होंने भी ये गीत चलाया, बोले ये चीज जरूर होगी। तो हमारी माता बहनाएं बैठी हैं, इसलिए विशेष फरमाइश पे ये गीत आपके सामने रखा जा रहा है। मेरा सर आपके चरणों में रखा है, एक एक लाइन आप सुनेंगे, बीच बीच में कोई डिस्टर्ब ना हो तो और अच्छा लगेगा। ये रात क्या होती है, ये पीर कहाँ से उठती है, ये आंखें क्यों रोती है, मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज हम बताओ, ये किसने शुरू की, ये किसने शुरू की हमें भी बताओ। और टीके भैया अगर तुम खड़े हो जाओगे तो वाऊ में तुम्हारो नाम आवेगा, तुम्हारी सकल दिखेगी, आ बजे तो यहाँ खड़े आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ बाबूजी। कलम से सब कलाकारों ने अपना अपना खूब लिखा और ऐसा कोई पहलू नहीं छोड़ा जिस पे न लिखा गया हो। दहेज का गाना भी लिखा, लाए हो आप साजन मुझको पसंद करके, अब क्यों जला रहे हो कमरे में बंद करके। हमारे रमेश भैया गाया करते थे, साजन रे मैं तो हूं निर्दोष, लेकिन आज एक और बुराई। और ये आलोक मेंबर साहब 100 रुपए का पुरस्कार कहते हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। बेटा तालियां जब बजाएं पहले यहां जमा करो, इनकी रसीद कटेगी। आज एक गीत आपके सामने रखा जा रहा है। हमारी बहनें अगर उन्हें मकान में लाकर रखा जाए तो उस मकान को वो घर बना देती हैं, और अगर मंदिर की पूजा के लिए बचा दिया जाए कि तुम्हें ये मंदिर संवारना है तो मंदिर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन कभी कभी इतनी जिद कर देती हैं कि घर को बखेर देती हैं। एक हकीकत किस्सा आपके सामने, मुंबई जू चौपाटी पर एक इंजीनियर अपनी पत्नी को केवल चाट खिलाने नहीं ले गया, उसने दूसरे दिन ही मुकदमा डाल दिया, मुझे ऐसे पति के साथ नहीं रहना जो एक दोना चाट नहीं खिला सकता, अगर कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो ये मेरा साथ नहीं देगा, मुझे ये रिश्ता यही खत्म कर देना चाहिए। और जब तलाक का मुकदमा चला, ये जस्साब है, जस्साब की अदालत में पहुंचा, और जब केस जजमेंट पर पहुंचा तो जस्साब ने दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद ये समझ लिया कि अब ये रिश्ता चलेगा नहीं, तो उन्होंने अपनी कलम लेकर के कहा कि अब मैं तुम्हें अलग कर देता हूं। तो देखिए इन दोनों की, बड़े भैया यार वाकई मुझे लग रहा है कि पहली बार ही रसिया है रहे, ये बीच में डिस्टर्ब ठीक नहीं, मैं भूमिका बना रहा हूं, आप बार बार आ जाते हो, बड़े भैया बैठ जाओ। ये बिटिया खड़ी, जब सामने पूछा ये बच्चा कौन का है, बोले ये इन दोनों की संतान है। तो जज साहब ने कलम ले ली
और जज साहब कहने लगे कि न्यायाधीश जी आपका मशहूर और तुम जो भी करोगे फैसला हम दोनों को मंजूर, तुम जो भी करोगे फैसला हम दोनों को मंजूर, तुम जो भी फैसला करोगे हम दोनों को मंजूर। लेकिन जज साहब ने कहा बेटी 10 साल की बिटिया खड़ी है, उन्होंने कहा इसकी भी रजामंदी ली जाए। क्या बिटिया तू चुप क्यों खड़ी, अरे बिटिया तू चुप क्यों खड़ी, सब कुछ है तेरे हाथ में और माँ बाप में से एक चुन, तू जाएगी किसके साथ में। बेटी बता तुझे तेरी मम्मी के साथ लिख दूं या तू अपने पापा के साथ जाएगी। तो बिटिया कहने लगी फैसला लिखने के लिए, फैसला लिखने के लिए और जज साहब हुए तैयार, और तब बिटिया की आंखों से बहने लागी अश्रुने धार। बेटी ने कहा बाबूजी आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि तू अपनी माँ के साथ जाएगी या अपने पापा के साथ जाएगी, लेकिन मेरे दिल से पूछो, मुझसे तो न मम्मी ने पूछ करके झगड़ा किया न पापा ने, लेकिन ये दोनों अलग हो रहे हैं। तो देखिए बिटिया क्या कह रही है, और ये डीके स्टूडियो जिनका कल आप देखेंगे प्रोग्राम, उनकी तरफ से ये इस गीत पर अभी शुरुआत हो रही है, उन्होंने 500 रुपए का आशीर्वाद दिया है, एक बार भैया के लिए तालियां हो जाए। तो बिटिया कह रही है बाबूजी आपने तो आसानी से कह दिया लेकिन मुझसे नहीं पूछा कि क्या है कसूर मेरा, क्या है कसूर मेरा कुछ तो बताओ। अरे मैंने कौन सी गलती कर दी, झगड़ा तो मेरे मम्मी और पापा ने किया था लेकिन मैंने क्या गलती कर दी, ये क्या है कसूर मेरा कुछ तो बताओ। अरे समझ सोच के अपना, समझ सोच के अपना, समझ सोच के अपना फैसला सुनाओ। बाबूजी माँ की ममता प्यार पिता का ये घर का मजबून है, माँ की ममता प्यार पिता का ये घर का मजबून है, और दोनों की संतान हूँ मैं दोनों का ही मुझ में खून है, दोनों की संतान हूँ मैं दोनों का ही मुझ में खून है। मात पिता की गोदी में बच्चों को मिले सुकून है, मात पिता की गोदी में बच्चों को मिले सुकून है। मेरा बचपन का अधिकार छीन ले, छीन ले, अरे मेरे बचपन का अधिकार छीनते, बचपन का अधिकार छीनते ये कैसा कानून है, बचपन का अधिकार छीनते ये कैसा कानून है। तो
फैसला सुना के मतना, फैसला सुना के मतना, कले जा हिलाओ। अरे समझ सोच के अपना, समझ सोच के अपना फैसला सुनाओ। बाबूजी हमारे जो जज की भूमिका में भैया जी बैठे हैं, उन्होंने 100 रुपया निकाल के दिए हैं। एक बार भैया जी के लिए तालियां हो जाएं। और बाबूजी आपने आसानी से कह दिया कि या तो मैं तेरी माँ के साथ लिखूंगा या तेरे पापा के साथ, लेकिन मुझे किसके साथ जाना है किसके नहीं जाना है। बिटिया बता रही है कि अगर मैं मम्मी के साथ जाती हूं तो मुझे ये मिलेगा और पापा के साथ जाती हूं तो ये मिलेगा, बता रही है। मात पिता ने सजा तराजू बीच में धर के तोली में, मात पिता ने सजा तराजू बीच में धर के तोली में। और ये अमर सिंह ठाकुर साहब की तरफ से, कुमार सिंह ठाकुर साहब की तरफ से, ये ठाकुरों वाला इनाम नहीं है, ये ठाकुरों वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रखे ले रहा हूं। मात पिता सजा तराजू बीच में धर के तोली में, और रंग सभी, रंग सभी फीके पड़ जाएं जीवन की रंगोली में, रंग सभी फीके पड़ जाएं जीवन की रंगोली में। और बाबूजी सब बहन बेटियों वाले हैं, बिटिया कहती है बाबूजी, और ये आदरणीय तेजपाल शर्मा जी LIC वालों की तरफ से 50 फिर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रंग सभी फीके पड़ जाएं जीवन की रंगोली में, और अगर मैं मम्मी के साथ जाती हूं, बाबा बाबा हमारी सुन ले, मैं माँ के साथ जाती हूं तो ममता के सब फूल मिलेंगे मुझको माँ की झोली में, ममता के सब फूल मिलेंगे मुझको माँ की झोली में। जैसा अगर मैं अपनी माँ के साथ जाती हूं तो माँ की ममता मुझे मिलेगी। अरे ममता के सब फूल मिलेंगे मुझको माँ की झोली में। और ये लाइन तुम ये समझ के सुनना कि तुम्हारी बेटी तुमसे कह रही है, तब तुम्हारे दिल में लगेगी कि हाँ हकीकत क्या है। ममता के सब फूल मिलेंगे मुझको माँ की झोली में, पर बिन बाबुल के तुम ही बता दो, बता दो रे। तो मम्मी पापा दोनों मेरी, मम्मी पापा दोनों मेरी बात मान जाओ। अरे समझ सोच के अपना, समझ सोच के अपना फैसला सुनाओ। और ये आदरणीय केशव ठाकुर साहब अजीजपुर वालों की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हंसराज रोटी बैंक उनकी तरफ से 10 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वकीलों ने कहा बाबूजी आप अपना फैसला मुकर्रर रखिए, ये जो फैसला होते हैं वो सबूतों और दलीलों पे होते हैं,
ये भावनाओं में बहकर के कोई फैसला नहीं होता। तो देखिए लड़की उन दोनों वकीलों से क्या कह रही है। दर्द झेल रही खड़ी खड़ी में माँ बापों की खोटों का, दर्द झेल रही खड़ी खड़ी में माँ बापों की खोटों का, और दिल पे मेरे चोट पड़े एहसास नहीं उन चोटों का, दिल पे मेरे चोट पड़े एहसास नहीं उन चोटों का। और बालकोनी वाले हो लड़की कह रही है ये वकील क्यों लड़ रहे हैं आपस में, ये तड़क भड़क के बात करें इनको लालच है नोटों का, तड़क भड़क के बात करें इनको लालच है नोटों का। अरे बचपन उजड़ जाएगा मेरा, बचपन उजड़ जाएगा या बचपन बिगड़ जाएगा, कुछ ना बिगड़ेगा काले कोटों का। अरे बचपन उजड़ जाएगा कुछ ना बिगड़ेगा काले कोटों का। इन वकीलों का कुछ नहीं बिगड़ेगा इसलिए बाबूजी, अरे एक हो जाए मम्मी पापा वो रास्ता दिखाओ, समझ सोच के अपना, समझ सोच के अपना फैसला सुनाओ। ये 20 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय हंसराज जी पुजारी कोसी कला से आए हैं, 20 रुपए दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मम्मी पापा दोनों मेरी बात मान जाओ, एक हो जाए मम्मी पापा वो रास्ता दिखाओ। तो देखिए उधर माँ रोने लग गई और इधर उस बेटी का बाप रोने लग गया, और दोनों चल करके उस बेटी के पास आए और उससे बेटी से क्या कहा। और ये 50 रुपए आलोक मेंबर साहब आशीर्वाद की कामना करते, और दोनों की आंखों में आंसू आ गए और बेटी को कलेजे से लगा करके कहने लगे, आंखें खोल दई बेटी तेने बड़ी मुसीबत टारी है, आंखें खोल दई बिटिया तेने बड़ी मुसीबत टारी है, और मम्मी पापा के आंगन की तू ही तो फुलवारी है, मम्मी पापा के आंगन की तू हरी भरी फुलवारी है। और जैसा कर दो केस को बंद आज तक जो न्यायालय में जारी है, कर दो केस को बंद आज तक न्यायालय में जारी है। और दोनों मम्मी पापा एक स्वर में बोले, कर दो केस को बंद आज तक न्यायालय में जारी है। अरे चाहिए नहीं तलाक हमें, चाहिए रे, चाहिए नहीं तलाक हमें, अब चाहिए नहीं तलाक हमें, ये बिटिया प्राणों से प्यारी है। अरे चाहिए नहीं तलाक हमें, जो बिटिया प्राणों से प्यारी है। तभी जज साहब ने केस वापस लिखते हुए कहा कि बेटियां बचाओ और बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ और बेटियां पढ़ाओ, मोदी के मिशन को आप आगे बढ़ाओ, समझ सोच के अपना, समझ सोच के अपना ये फैसला सुनाओ।